हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आकाश विचरन और आप लोग इस पिक्चर को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के बारे में। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो ये संस्था है, इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है और काफ़ी चौंका देने वाली फाइंडिंग्स जो हैं वो इसमें निकल कर आई हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी फाइंडिंग्स के बारे में एक बार जानते हैं। तो न्यूज़ में क्यों था, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम रिलीज्ड अ फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। क्या हुआ है कि जो UNEP जो आपकी काफ़ी फेमस एक संस्था है, इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो ये रिपोर्ट का नाम और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग याद रखना कि इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि इस रिपोर्ट का पब्लिशर कौन है। तो प्लीज़ आप लोग इसको याद रखना। और इस रिपोर्ट में जो आपकी मेन फाइंडिंग निकल कर आई है वो ये आई है कि जितना भी फूड आपका कंज्यूमर लेवल पर अवेलेबल था, उसका 17% जो हिस्सा था वो आपका वेस्ट हुआ है, 17% हिस्सा। तो आप देख सकते हैं कितना चौंका देने वाला ये फैक्ट है, क्योंकि आप अज्यूम कीजिए कि अगर 100 kg फूड आपका कंज्यूमर लेवल पर अवेलेबल था, तो उस 100 kg फूड में से आपका 17 kg फूड जो है वो वेस्ट हुआ है। और हमें पता है कि आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के क्या हालात हैं, हंगर जो है कितना बढ़ गया है एकदम से, और उससे पहले भी हालात जो थे वो काफ़ी ख़राब थे। तो मतलब ये ऐसे फैक्ट्स हमें अगर जानने को मिले तो कितना डीमोटिवेटिंग, कितना डीमोरलाइजिंग ही होता है कि कुछ लोग जो है उनको खाने के पास कुछ भी नहीं है उन लोगों के पास खाने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वो फूड को इतने हाई लेवल पर वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इनजस्टिस है काफ़ी ज़्यादा। और ये रिपोर्ट है आपकी, या आपकी 2019 के डाटा के ऊपर बेस्ड है, 2019 के बारे में जो इसमें बताया गया है। आगे के टाइम पर जो आपकी रिपोर्ट्स आएंगी, जैसे जो 2020 वाले रिपोर्ट आएगी आपकी, इसमें 2020 का डाटा अवेलेबल होगा, तो उसमें तो हमें और ज़्यादा ही नंबर बढ़ता हुआ दिख सकता है ना, क्योंकि आपका कोरोना वायरस जब आया तो लॉकडाउन लगा, लोगों की इनकम जो एकदम से घट गई। सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता मैं, हर देश की बात कर रहा हूँ, हर देश में ऐसा हुआ है, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो चली गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ये आपकी भुखमरी है, जो आपकी हंगर है, एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और अभी तो जो है नंबर हमें 690 मिलियन दिख रहा है ना ये हंगरी का, कि इतने लोग आपके जो है हंगर के शिकार हुए। ये नंबर और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब 2020 के डाटा की आपकी रिपोर्ट आएगी। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका न्यूज़ आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, TY का, 50 kg ऑफ फूड वेस्टेड पर पर्सन पर ईयर इन इंडियन होम्स। UNEP की जो रिपोर्ट थी इसमें बताया गया कि अगर हम इंडियन हाउस होल्ड की बात करें तो पर पर्सन आपका 50 kg फूड जो है आपका वेस्ट हुआ है पर पर्सन। ठीक है, और ये हमारा ये जो आपका नंबर है ये कम इस वजह से, 50 kg इस वजह से है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन थोड़ी कम होती तो ये जो आपका 50 kg का जो नंबर है ना, ये आपको बढ़ता हुआ दिख सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं की पॉइंट्स के बारे में। तो रिपोर्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। रिपोर्ट क्या है, इट प्रेजेंट्स द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव फूड वेस्ट डाटा कलेक्शन एनालिसिस एंड मॉडलिंग टू डेट। तो इसमें क्या आपका काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिव डाटा हमें देखने को मिलता है, फूड वेस्ट का जो पूरा डाटा है वो उसमें कलेक्ट किया जाता है और पूरी एनालिसिस की जाती है कि किस रीजन में कितना आपको देखने को मिल रहा है, किस कंट्री में कितना देखने को मिल रहा है, और क्या जो आपका पूरा ट्रेंड जो है वो आपका अब चल रहा है, ये सब जो इसमें पूरा एनालाइज किया जाता है। इट ऑल्सो पब्लिशेज अ मेथडोलॉजी फॉर कंट्रीज टू मेजर फूड वेस्ट, और जो कंट्री वाइज इसमें जो आपका मेथडोलॉजी भी जो है, जो आपका मॉडस ऑपरांडी है, उसको भी पब्लिश किया जाता है पर ईयर। इन कॉन्ट्रास्ट टू द फूड लॉस इंडेक्स, द फूड वेस्ट इंडेक्स मेजर टोटल फूड वेस्ट। तो इसमें क्या है आपका फूड लॉस इंडेक्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या है, लेकिन फूड लॉस इंडेक्स के थोड़ा सा ये जो आपका विपरीत है। क्या होता है, क्योंकि फूड वेस्ट इंडेक्स जो आपका है उसमें आपका जो पूरा फूड वेस्ट होता है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है, रेदर देन लॉस ऑफ वेस्ट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक कमोडिटीज़। जो आपका फूड लॉस इंडेक्स है उसमें आपका कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के बारे में बात की जाती है, लेकिन अगर हम फूड वेस्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो आपका ओवरऑल जो सब कुछ मेजर किया जाता है। फाइंडिंग्स के बारे में बात करें तो फूड वेस्टेज के बारे में क्या फाइंडिंग निकल के आई है, तो ये आया, दिस रिपोर्ट एस्टिमेट डेट अराउंड 931 मिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्ट वॉज जनरेटेड इन 2019 में इन्होंने बताया कि लगभग 931 मिलियन टन्स जो है आपका फूड वेस्ट जनरेट हुआ। 931 मिलियन टन्स बहुत बड़ा ये अमाउंट है, बहुत बड़ा। 61% ऑफ विच केम फ्रॉम हाउस होल्ड्स, 26% फ्रॉम फूड सर्विसेज एंड 13% फ्रॉम रिटेल। जिसमें 61% आपका आया हाउस होल्ड से, आपका 26% आया आपका फूड सर्विसेज। अब फूड सर्विस मतलब रेस्टोरों, ये सब जो आपके होते हैं, जो आपके आउटलेट्स होते हैं, फूड आउटलेट्स, यहाँ सबसे आपका आया, और 13% जो आपका रिटेल सेक्टर से आया। अब इन्होंने ये भी बताया कि जो डाटा है वो इतना एब्यूडेंट अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ग्लोबल फूड वेस्ट डाटा अवेलेबिलिटी इज़ करंटली लो, जो आपकी डाटा की जो अवेलेबिलिटी है ये थोड़ी कभी फ़िलहाल जो है लो है। ठीक है, आगे बात करें तो वेस्टेज अक्रॉस ऑल इनकम ग्रुप, तो
एक उन्होंने जो काफ़ी सिग्निफिकेंट बात ये बताई, उन्होंने कहा कि जितने भी इनकम ग्रुप्स आपके हमें देखने को मिलते हैं, जब भी कंट्रीज़ को आपको पता है कि इनकम लेवल पे हम लोग जो है कैटेगराइज करते हैं, तो अभी कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री में जो है हमें डाटा देखने को मिलता है, और जो इम्पैक्ट होता है वो हर कंट्री पर हमें देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डेवलप कंट्रीज़ में हमें इम्पैक्ट कम देखने को मिलेगा, डेवलपिंग में ज़्यादा देखने को मिलेगा, हमें दोनों जगह जो बराबर का देखने को मिलेगा और ये इक्वली रेलिवेंट है दोनों जगहों पर। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो ऑस्ट्रिया है आपकी, ठीक है, उन्होंने जो है लोएस्ट उनका ये डाटा निकल गया है, उनमें क्या है कि जो आपका फूड वेस्टेज का डाटा निकल गया है वो 39 kg, 39 kg ऑस्ट्रिया में, जो आपकी वियना जी कैपिटल है। और वहीं अगर हम बात करें नाइजीरिया जैसी कंट्रीज़ की, नाइजीरिया को पता है काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी कंट्री है जो डेवलप नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भुखमरी है, गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। तो नाइजीरिया की अगर हम बात करें तो ये जो आपके वहाँ पर डाटा है वो आपका 189 kg, मतलब पर पर्सन 189 kg डाटा आपका वहाँ पर, जो फूड जो आपका वहाँ पर वेस्ट होता है पर पर्सन 189 kg। और ऐसा नहीं है कि नाइजीरिया में अगर ये नंबर कुछ ज़्यादा है तो वहाँ पर फूड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। नाइजीरिया में आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो बहुत भूखे रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है अफोर्ड करने के लिए कि वो अच्छा खाना खा सकें, या खाना भी खा सकें, सिर्फ अच्छा नहीं, खाना अच्छा खाना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ खाना भी खा सकें, ठीक है। और इंडिया में जो आपका नंबर ही आपका है 50 kg पर पर्सन। दिस डाइवर्जेस फ्रॉम अर्ली नैरेटिव्स कंसंट्रेटिंग कंज्यूम फूड वेस्ट इन डेवलप कंट्रीज़। पहले आपका क्या नैरेटिव चलता था, पहले ये कहते थे कि डेवलप कंट्रीज़ में क्या होता है, आपका जो आपका फूड वेस्ट होता है वो कंज्यूमर लेवल पर होता है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो आपका फूड वेस्ट होता है वो आपका प्रोडक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में जो आपके लॉसेस होते हैं उसकी वजह से वेस्ट होता है, ऐसा कहना था। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है कि वो लोग सप्लाई चेन को अच्छे से मेंटेन कर सकें, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो पहले आपका ये नैरेटिव रहता था। लेकिन अब ऐसा जो है नैरेटिव है इसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा ट्रेंड कोई है नहीं। और अगर हम साउथ एशियन होम्स की बात करें पर्टिकुलरली, तो उन्होंने बताया द रिपोर्ट्स नोट दैट फूड वेस्ट एट अ कंज्यूमर लेवल हैपन्स इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। जो आपका होता है ये ऑलमोस्ट हर कंट्री में होता है, उन्होंने ऐसा बताया, हर रीजन में होता है रिगार्डलेस ऑफ इनकम लेवल, इनकम लेवल के इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले से मैं आपको थोड़ा सा पहले बताया था, बिल्कुल वही बात जो यहाँ पर बताई गई है। इन साउथ एशिया 150 kg ऑफ फूड इज़ वेस्टेड पर पर्सन ईच ईयर एट इंडिया। इंडिया में अगर हम बात करें तो लगभग 50 kg जो फूड है आपको वो वेस्ट होता है पर पर्सन। और वहीं ये नंबर अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में आपका 65 kg है, पाकिस्तान में 74 kg है, श्रीलंका में 76 kg है, नेपाल में 79 kg है, और अफगानिस्तान में 82 kg आपका ये नंबर है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस की बात करें कि फूड वेस्ट को बचाना, इसमें रिडक्शन लाना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्यों है, तो आपके इससे तीन चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली क्या है, रिड्यूस हंगर, जबकि हंगर है, जबकि भुखमरी है वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जो फूड आपका वेस्ट हो रहा है वो किसी के काम काम का तो रहा नहीं, ठीक है, वो तो वेस्ट हो गया ना, किसी काम का नहीं है वो। तो अब जो लोग भूखे रह रहे हैं, जो हंगर से लगातार तड़प रहे हैं, अब उनको खाने के लिए मिल जाएगा, तो जितना वो वेस्ट हो रहा है वो यूटिलाइज हो जाएगा ना। अब जिन लोगों ने उसको फेंका, जिन्होंने वेस्ट किया उसको, अब उनका तो पेट भर गया, अब जो वेस्ट हो रहा है उसको हम जो लोग भूखे उनको दे सकते हैं ताकि वो यूटिलाइज हो जाए, और साथ में उनकी जो भूख है वो भी मिट जाए। तो इससे क्या होगा, जो आपकी हंगर है वो अपने आप कम हो जाएगी, और जो नेचर में डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से नेचर में भी डिस्ट्रप्शन होता ही है ना, नेचर में प्रॉब्लम होती है, आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। तो अगर हम लोग इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अफोर्ड कर रहे हैं तो क्यों ना उसको हम पूरा यूटिलाइज करें, क्योंकि हम लोग इतना ऐसे नहीं कर सकते ना कि अगर जितना मन करे एनवायरनमेंट को हार्म कर लें, उसके बाद जो निकल के आ रहा है प्रोडक्ट उसको भी ऐसे ही वेस्ट कर दें और कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। और जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके साथ भी आपका एक कॉन्सोनेंस में होगा, क्योंकि हमारे SDG जो हमारा 12.3 है उसमें हमने क्या बताया हुआ है कि हम लोगों को क्या करना है, फूड वेस्टेज को कम करना है, उसको आधा करना है ना। तो ये जो है हमारा, इसको भी अचीव करने में काफ़ी मदद करेगा। और साथ में जो हमें ग्रीन हाउस गैस जो हमारे एमिशन होते हैं उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे 8 से 10% जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस की जो एमिशन होते हैं वो फूड जब का वेस्ट होता है उसकी वजह से होते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं हम उनको कंट्रोल करेंगे तो 8 से 10% जो आपको ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही हैं इनमें भी हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। उससे क्या होगा, जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट है उसके टारगेट्स को हम लोग टाइमली मैनर में फुलफ़िल कर पाएंगे। सजेशन क्या दिया ना, सजेशन उन्होंने ये दिया कि हमें जो है NDCs को बढ़ाना चाहिए, एनहांस करना चाहिए। NDC क्या होते हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत आपकी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को सेट कर रखा है कि हम लोग जो है हम इतना करेंगे, हम लोग इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग ये करेंगे। तो अगर इन कंट्रीब्यूशंस में ये लोग इस फूड वेस्टेज वाले क्लॉज को भी डाल दें तो जो है हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आपको मनी से जुड़े हुए जो सिग्निफिकेंस पॉइंट बताया वो तो आपके पास है ही।
then co-create and adopt game-changing solution to food waste through the UN Food System Summit. और जो हम गेम चेंजिंग सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं इसके थ्रू UN Food System Summit के थ्रू, और ये आपका क्या है इसको मैं आगे बताऊँगा. देन रीजनल फूड वेस्ट वर्किंग ग्रुप हम लोग सेटअप कर सकते हैं. दीज वर्किंग ग्रुप्स विल प्रोवाइड कैपेसिटी बिल्डिंग, इससे क्या कैपेसिटी बिल्डिंग आपकी हो जाएगी, साथ में आपके मेम्बर स्टेशन की ट्रेनिंग हो जाएगी. तो इससे क्या होगा कि इस डायरेक्शन में हम लोग स्टेप उठा सकते हैं. ये आपका ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे, आपका जो रिपोर्ट का पूरा डाटा है वो हम आप एक ग्लांस में कवर कर सकते हैं, तो उसको पोस्ट करके देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपका ग्लोबल बताया गया, यहाँ पे कंट्रीज़ के हिसाब से बताया गया, यहाँ पे G7 कंट्रीज़ का कैटेगराइजेशन किया गया, यहाँ पे साउथ एशिया का किया गया. ठीक है, ग्लोबल में आपकी टॉप 5 कंट्रीज़ ये रही, अदर कंट्रीज़ में आपकी ये रही. इसराइल आपका टॉप पे है जिसमें 100 kg पर पर्सन, G7 में आपका फ्रांस सबसे ऊपर, US सबसे नीचे, और साउथ एशिया में आपका अफगानिस्तान सबसे ऊपर और इंडिया सबसे नीचे. आप इसको पूरा जो है पोस्ट करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. आगे बात करें यूएन फूड सिस्टम समिट की, तो ये क्या है. इन 2021 यूएस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस विल कन्वीन अ फूड सिस्टम समिट. 2021 में जो है एंटोनियो गुटेरेस जो हमारे यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो एक फूड सिस्टम समिट को ऑर्गेनाइज करेंगे एज अ पार्ट ऑफ डिकेड ऑफ एक्शन, क्योंकि ये जो हमारा दशक का स्टार्ट हुआ है 2021 से 2030 तक, इसको डिकेड ऑफ एक्शन कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें लोग हम बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने वाले हैं, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमें 2030 तक SDGs को अचीव करना है, जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना है. द समिट विल लॉन्च बोल्ड न्यू एक्शंस टू डिलीवर प्रोग्रेस ऑन 17 SDGs. जो आपकी समिट है ये अपने नए एक्शंस को जो है डिलीवर करेंगे, अपने प्रोग्रेस को जो है बताएंगे, ताकि ये जो हमारे 17 SDGs हैं इनको जो हम लोग अचीव कर सकें. आगे हम बात करें फूड लॉस इंडेक्स की. द फूड लॉस इंडेक्स फोकस ऑन फूड लॉसेस. तो इसमें क्या होता है आपका, मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में बात की थी, मैं आपको कहा था कि मैं आगे बताऊँगा, तो ये वही है फूड लॉस इंडेक्स क्या है. द फूड लॉस इंडेक्स फोकसेस ऑन फूड लॉसेस दैट अकर फ्रॉम प्रोडक्शन अप टू द रिटेल लेवल. तो क्या बताया कि जो भी आपका फूड लॉस होता है प्रोडक्शन से लेकर रिटेल लेवल तक, उसको जो है इसमें मेजर किया जाता है. ठीक है, आपका हाउस होल्ड्स या फिर कंज्यूमर लेवल वाली कैटेगराइजेशन हमें यहाँ पर सेग्रीगेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है. इट मेजर्स द चेंजेस इन परसेंटेज लॉसेज फॉर अ बास्केट ऑफ 10 मेन कमोडिटीज बाई कंट्री इन कंपेरिजन विद बेस पीरियड. तो इसमें आपकी 10 जो मेन कमोडिटीज़ होती हैं उसमें जो चेंज आता है ना, आपका जो बास्केट में जो बेसिकली चेंज आता है उसको जो हम लोग मेजर यहाँ पर करते हैं. द FLT contributes to measure progress towards SDG targets 12.3. और जो आपका FLT है, जो आपका फूड लॉस इंडेक्स है, ठीक है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, जो आपका 12.3 आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी अचीव करने के लिए, उसके तरफ प्रोग्रेस करने के लिए काम करता रहता है. अगर इंडिया में बात करें फूड वेस्टेज की, तो 67 मिलियन टन्स जो आपका फूड है वो हर साल वेस्ट होता है, और उसकी कॉस्ट आपकी निकल के आती है, वो कॉस्ट आपकी आती है 92,000 करोड़ रुपये. अब कितना बड़ा ये अमाउंट है सोच लीजिए आप, हमारी GDP का बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा बहुत तो हिस्सा है ही, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं. ठीक है, एंड 21 मिलियन मेट्रिक टन्स जो हमारे देश में वीट है वो हर साल क्या होते हैं, रोट होते हैं, ख़राब होते हैं. ठीक है, बहुत बड़ा ये अमाउंट है. सोच लीजिए हम लोग अभी कितनी बम्पर फसल उगाते हैं, अगर ये सब, ये जो आपकी फूड वेस्ट होता है अगर ये ना हो तो कितना ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना. 73% जो आपका मुंबई में जो आपका निकल के आता है ना वेस्ट, उसमें 73% जो है आपका वो फूड का होता है, फूड का, खाने का, वेजिटेबल का, फ्रूट्स का, इन सब का होता है. बाकी का जो आपका 3% होता है वो आपका प्लास्टिक का होता है. ठीक है, नेशनल कैपिटल दिल्ली ऑल्सो जनरेट्स अराउंड 9,000 मेट्रिक टन्स. अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी आपका 9,000 मेट्रिक टन्स का जो आपका वेस्टेज है वो प्रोड्यूस होता है डेली बेसिस पे, या फिर एनुअल बेसिस पे, सॉरी. इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें, तो फूड वेस्टेज नॉट ओनली लीड्स टू नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट. हमने आपको बताया कि फूड वेस्टेज आपका एनवायरमेंटल इंपैक्ट तो ख़राब होता ही है. कैसे, क्योंकि आपको पता है मैंने ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताया था कि आपकी वो एमिट होती हैं, तो वो तो है ही है, और साथ में हम लोग नेचर को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं हम लोग अगर इतना ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं. तो इसमें आपकी इकोनॉमिक लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं. कैसे, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस फूड वेस्टेज आर सब्सटेंशियल एंड अमाउंट टू अबाउट $1 trillion. तो ये जो आपके फूड वेस्टेज लॉसेज हैं ये आपके लगभग $1 trillion के बराबर है हर साल. However, the hidden cost of food wastage extend much further. In addition to the $1 trillion of economic cost per year, environmental cost reach around $7 billion. अगर हम लोग साथ में environmental cost की बात करें तो वो भी आपका $700 billion तक का पहुँच जाता है. Social cost आपकी $9,000 billion तक है. तो कितना बड़े अमाउंट है, कितने ज़्यादा इसके far reaching consequences आप लोग देख सकते हैं. तो हम लोग को जो जल्दी से जल्दी स्टेप लेने की ज़रूरत है. तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब अचीव YSN, जॉइन अस ऑन टेलीग्राम. थैंक यू.